लटेरी में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गरीबी रेखा कार्ड धारी एवं अन्य योजना के अंतर्गत पात्रता पर्ची में अनाज वितरण संबंधी हितग्राहियों से संवाद किया। तो वहीं लटेरी क्षेत्र में कुल 552 पात्रता पर्ची जारी की गई हैं, जिसमें लटेरी में खाद्यान्न पर्ची वितरण कार्यक्रम अव्यवस्थाओं के बीच संपन्न हुआ। तो वहीं कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग तो नदारद दिखी ही, वहीं गर्मी के मौसम में आयोजकों द्वारा लोगों को पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं कराया गया था। आयोजकों द्वारा कार्यक्रम के नाम पर लाखों के बिल तो निकाले जाते हैं, लेकिन जरूरी व्यवस्थाएं भी लोगों को नसीब नहीं हो पाती हैं। कहीं ना कहीं इस तरह से स्थानीय अधिकारी शासन की मंशा को भी चूना लगाने और शासन की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। जिस जनता के बल पर नेता कुर्सी तक पहुंचते हैं और अधिकारी जिस जनता के टैक्स से अपनी वेतन लेते हैं, उसी जनता को भूखा प्यासा इन कार्यक्रमों में वापस भेज दिया जाता है। जहाँ पानी पिलाना सबाब का काम माना जाता है, वहीं आयोजक कहते हैं कि यह कार्यक्रम स्वागत सत्कार के लिए नहीं था। यदि स्वागत सत्कार के लिए नहीं था तो यह नेताओं और अधिकारियों के लिए बिस्लरी और नाश्ता क्यों? जिस जनता का यह कार्यक्रम था उनके लिए पानी भी नसीब नहीं था। तो वहीं अधिकारियों की मंशा को देखकर यह लगता है कि अधिकारी सिर्फ नेताओं की चापलूसी में लगे हुए हैं। वहीं कार्यक्रम में कुछ ग्रामीण ऐसे भी नजर आए जो अपने कागज सालों से लिए प्रशासन के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनके लिए न खाद्य पर्ची है और न खाद्यान्न व्यवस्थाओं के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति ही की गई। वहीं देखा गया कि कार्यक्रम चलता रहा तो वहीं खाद्य आपूर्ति अधिकारी कार्यक्रम में व्यवस्था को देखने की बजाय सेल्फी लेने में व्यस्त रहे। आयोजक जनपद पंचायत और नगर पंचायत है। 542 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। ये विषय इन चीजों का पूछने का नहीं है, इस विषय से संबंधित कोई हो वो बात करें। स्वागत सत्कार के लिए कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था, हितग्राहियों की व्यवस्था के लिए जो शासन की योजना राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम 2013 उसके लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था और जिन लोगों को आमंत्रित किया गया था उनकी व्यवस्था थी। प्लीज।